आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सिद्धार्थ नगर के बिसकोर नगर पंचायत के सिकोधा में बना गौशाला की बदहाल स्थिति दिखाई देता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ योगी सरकार मवेशियों के लिए जगह जगह गौशाले की व्यवस्था कराया गया है, वहीं बिसकोर नगर पंचायत सिकोधा में मवेशियां दम तोड़ती नजर आई हैं। मवेशियों को सूखा भूसा दिया जा रहा है। मवेशियों की समुचित व्यवस्था के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्थिति बदहाल बनती नजर आ रही है। वही नगर पंचायत अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि मेरे द्वारा बार बार निरीक्षण किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो वहाँ जाँच किया जाएगा, अगर ऐसी व्यवस्था है तो सुधार जरूर होगा। पेश है सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। बिसकोहर नगर पंचायत के अंतर्गत सिकौथा गौशाला देखा गया है, वहाँ पशुओं को सूखा भूसा दिया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब आप तो पत्रकार हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गौशाले में जितना भी अस्थायी गौशाला है पूरे जिले में, जनपद में 2 नगर पालिका 9 नगर पंचायत है, आप देखिए सभी नगर पंचायतों नगर पालिकाओं में सबसे अच्छा गौशाला हमारा है, और हम उसकी मॉनिटरिंग रात में 12 बजे दिन में, और मतलब ये भी देख लीजिए हमारे वहाँ 3 कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर के साथ दिन में ड्यूटी करते हैं, और 3 कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर रात में ड्यूटी करते हैं, और मैं खुद वहाँ चाहे वो पशु आहार हो, चाहे वो खली हो, चाहे पोषा आहार हो, भूसे के साथ उनको दिया जा रहा है, और हम और हमारे अभी शासकीय अधिकारी और हमारे लिपिक बाबू हमने ये तय किया है कि जो हमारे पास जमीन है वहाँ पश्चर की जमीन है, नवीन प्रति है, जो भी सरकारी जमीन है उस पर हम लोग अभी जाते कर देख लीजिए, वहाँ अभी चरी हम लोग डलवाए हैं और चरी लगा भी है। अगर आपको हमारे बात में विश्वास ना हो तो आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। आपके द्वारा कहा गया कि हम पत्रकार, हमारे द्वारा आरोप लगाया गया, लेकिन इसका विजुअल हमारे पास है कि वहाँ नाद में सिर्फ सूखा भूसा ही था। माने नहीं, आप गए होंगे, देखे होंगे कि हमारे वहाँ 1 सुपरवाइजर 3 कर्मचारी मिले होंगे आपको, और बिल्कुल मुस्तैद, और वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो पुनः हम आपकी बातों को संज्ञान लेकर और इस चीज को अपने अधिकारी जो कर्मचारी हमारे वहाँ ड्यूटी कर रहे होंगे, मैं उन पे कार्रवाई करते हुए इस चीज को मैं तुरंत जो है तत्काल आपके संज्ञान में, हमारे संज्ञान में अगर आपने किया है तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ मवेशियों की संख्या तो लगभग 200 बताया गया है, लेकिन उन्हीं मवेशियों के अंदर एक मवेशी जो है लगभग मरने के कगार पर है, और उसी के ऊपर और अन्य मवेशियां चढ़ भी रही जिसकी उसको जिससे उसे बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहें? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने 2 पार्ट में वो बैरिकेडिंग करवा दिया है, जो हमारे वो साढ़ है और जो हमारे गौ माता है उनको अलग किया गया है, और साढ़ जो बछवा है उनको अलग किया गया है, और हमेशा हम भी मतलब जो है वो 2 आप देखे होंगे अस्थायी गौशाले में 2 एक में 2 पार्ट है, एक अलग है, और हम वहाँ जो है उनको अलग तरीके से वो जो है अलग अलग करके रखे हैं। ऐसा तो था नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसकी भी हमारे द्वारा जो है जांच करके, और ऐसा अगर है तो उसमें सुधार करके, और जो भी उसके जिम्मेदार है वहाँ उनके पर कार्रवाई होगा।